Hello friends, once again welcome to you all in my YouTube channels. Okay, so in the continuation of the by taking the Ayurvedic topic, in this class we discuss about the oj. Okay, so that is nothing but the oj. Oj kya hota hai and the function of oj we discuss here. Let's continue with that. Okay, that sloka is given in the form of, okay, by the seeing the sloka we discuss the meaning of that. Ojas tu tejo dhatu nam शुक्रांतानाम परमं स्मृतम हृदस्थमपि व्यापी देहस्थिति निबंधनम. ओके, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? ओजस तो तेजो धातु नाम शुक्रांतानाम परम स्मृतम. ओज जो होता है ये सभी धातुओं का एसेंस होता है, ये सभी धातुओं का सार भाग होता है अकॉर्डिंग टू द वाग्भट्टा. ओके, दैट इज दैट शुक्रांतानाम परम स्मृतम, ये शुक्र धातु के बाद बनता है ओज. ओके, ये वही बोला है शुक्रंतानम परम स्मृतम. शुक्रंतानम मीन्स शुक्र धातु के बाद ओज बनता है. ये क्या होता है? तेजो धातु नाम. ओके, तेजो मीन्स सार भाग आप बोल दीजिए. ओजस तो तेजो धातु नाम, धातु नाम मीन्स जो रस से अपना शुक्र तक जो भी धातु आते हैं सात धातु के, रस रक्त मांस में दस्ति मज्जा शुक्र, ये सभी धातुओं का ये तेज भाग होता है, सार भाग होता है, इसी को हम बोलते हैं ओज. ये शुक्र के बाद बनता है. ओजस्त तेजो धातु नाम शुक्रांतानाम परम स्मृतम, ऐसा याद रखिए. ओजस्त तेजो परम स्मृतम मीन, ऐसा याद रखिए, ओजस्त तेजो धातु नाम शुक्रांतानाम परम स्मृतम हृदस्थमपि व्यापी देहस्थिति निबंधनम. ये इसका मेन लोकेशन जो है, ये इसका क्या लोकेशन है? हृदय यानी हर्ट इसका जो मेन लोकेशन है. लेकिन इसका मेन लोकेशन होने के बावजूद ये सभी पूरे दिशाओं में ये घूमता हुआ नजर आता है. आप जब पढ़ेंगे ओज के बारे में तो आप वहाँ पे आप डिस्कस करेंगे पर एंड अपर ओज. सो व्हाट आई वांट टू से दैट जो आपका पर ओज रहता है वो आपका हृदय में रहता है, एंड जो आपका अपर ओज रहता है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है इनसाइड द सर्कुलेशन. ओके, सो इन दैट मैनर उसके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है. होता क्या है उससे, वो पूरे व्यापी यानी फैला हुआ रहता है पूरे बॉडी में, उसको अपर ओज उसको हम बोलते हैं. पर ओज हर्ट में रहता है जो कि मेन रहता है, एंड जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है वो क्या करता है? देह स्थिति निबंधन, पूरे बॉडी को एक सिंक्रोनाइज मैनर में कंट्रोल करके रखता है. दैट इज मतलब देह स्थिति निबंधन, पूरे बॉडी को एक स्थिति, एक अच्छे तरीके से कंडीशन वेल मैनर में मेंटेन करके देना. दैट इज अ फंक्शन ऑफ ओज. ओजस्त तेजो धातु नाम शुक्रांतानाम परम स्मृतम हृदस्थमपि व्यापी देह स्थिति निबंधनम. द नेक्स्ट लोका इज नथिंग बट द स्निग्ध समात्मकम शुद्धम ईश लोहित पीतकम यन्नाशे नियतम नाशो यस्मित तिष्ठति तिष्ठति. द श्लोका इज नथिंग बट द, इसके जो भी ये इसका गुड़ बता रहा है, स्निग्ध समात्मकम शुद्धम ईश लोहित पीतकम, यानी कि जो इसका जो अगर आप प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, वो जो होता है ये थोड़ा क्या होता है, स्निग्ध होता है, ऑयलीनेस इसमें ज़्यादा रहती है और थोड़ा सा ऑयलीनेस होता है. समात्मकम मीन्स थोड़ा शुद्ध होता है ये. ओके, दैट इज अ शुद्ध. सोमात्मकम मीन्स व्हाइटनेस रहता है. स्निग्ध सोमात्मकम शुद्धम, शुद्ध मीन्स ये प्योर रहता है. ईश लोहितकम, लोहित पीतकम मीन्स स्लाइटली रेडिश इंडियन येल्लो कलर का रहता है. दैट इज स्निग्ध सोमात्मकम शुद्धम ईश लोहित पीतकम. ईश मतलब स्लाइटली, ओके, थोड़ा सा मैनर में. लोहित पीतकम, लोहित मीन्स ब्लड, ओके, पीतकम मीन्स पीला कलर. ओके, स्निग्ध सोमात्मकम शुद्धम ईश लोहित पीतकम यन्नाशे नियतम नाशो यस्मित तिष्ठति तिष्ठति. अगर ओज का नाश हो जाता है तो आदमी का नाश हो जाता है. दैट इज हियर रिटन यन्नाशे नियतम नाशो. ओके, नियत यन्नाशे नियतम नाशो, अगर अगर वो नाश हो गया, नियतम नाशो, हम भी हमारा भी नाश हो जाएगा. यस्मित तिष्ठति तिष्ठति, अगर वो यस्मित अगर वो रहता है, तिष्ठति भी हम भी तिष्ठति रहेंगे, हम भी रहेंगे. दैट इज यन्नाशे नियतम नाशो यस्मित तिष्ठति तिष्ठति. ओके, दैट इज अबाउट द ओज, द मेन फंक्शन ऑफ द ओज. लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड. द निष्पद्यन्ते यतो भावा विविधा देह संशय, दैट इज बाय फ्लोइंग इन द होल रीजन दे कंट्रोल ऑल ओवर द बॉडी. दैट इज निष्पद्यन्ते यतो भावा विविधा देह संशय ओजो ओजो वि वृद्ध देह से तुष्टि पुष्टि बलोदय. ओके, सो हमें समझना चाहिए कि हमारे ओज की वृद्धि कैसे हो रही है. हमारे ओज की वृद्धि, वृद्धि मतलब ये वृद्धि होने से, ये ओज मीन्स मॉडर्न में कंपेयर किया है इम्यूनिटी से. अगर किसी भी चीज़ की बढ़ती इम्यूनिटी अगर हमारी बढ़ती है तो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी है. तो हमने मल वृद्धि के लक्षण की बात की, दोष वृद्धि के लक्षण की बहुत बार बात की है, लेकिन ओज वृद्धि के लक्षण कोई नहीं आते हैं. कीप इन योर माइंड दैट इम्यूनिटी अगर आपकी बढ़ती है तो कौन नहीं चाहेगा आपकी इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए.
अगर इम्यूनिटी बढ़ने के बाद अगर कोई लक्षण दिखाई देगा तो व्हाट इज द मेन, व्हाट इज द इंक्रीज ऑफ दैट इम्यूनिटी, उसका क्या होगा फिर? तो दैट इज़ आई वॉन्ट टू से दैट इम्यूनिटी बढ़ने से कुछ नहीं होता. दैट इज़ अगर इम्यूनिटी अगर आप बढ़ी है, कैसे मालूम चलेगा हमारी इम्यूनिटी बढ़ी है? देह से तुष्टि पुष्टि बलो देह, उसका जो देह रहेगा उसका पूरा बॉडी फीचर्स उसके वगैरह वगैरह जो भी, उसका पूरा बॉडी बलवान हो जाएगा. तुष्टि पुष्टि बलो देह, हमेशा एक फ्रेश की तरह कंडीशन फील करेगा. उसको जो बलो देह, उसका जो जो ऊर्जा रहती है, अच्छा खासा उसके पास ऊर्जा रहेगी. दैट इज़ ओजो वृद्धि देह से तुष्टि पुष्टि बलो देह, ओजो की वृद्धि हो रही है, इसकी इम्यूनिटी बराबर तरीके से काम कर रही है, ये लक्षणों से देह से तुष्टि पुष्टि बलो देह से उसको समझना चाहिए. सो एट द लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट वन मोर टाइम रिपीट दैट ऑल ओवर द श्लोका फॉर रीडिंग इन वेल मैनर. ओके, ओजस्तु तेजो धातूनां शुक्रांतानां परमसुदं हृदयस्थमपि व्यापी देहस्थिति निबंधनम्, स्निग्ध सोमात्मकं शुद्धं ईशलोहित पीतकं यन्नाशे नियतं नाशो यस्मित तिष्ठति तिष्ठति. निष्पदन्ते यतो भावा विविधा देहसंशया ओजोः वृद्धि ओजोः विवृद्धो देहस्य तुष्टिपिष्टो तुष्टिपुष्टि बलो देह. सो दैट इज ऑल अबाउट द ओज. ओके, सो दैट इज इनफ फॉर दिस ओज लेक्चर. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. ओके, सो Have a nice day. Jai Hind, Jai Ayurved, Jai Dhanvantri. Stay tuned for the next video.